हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंजनेयास किचन वर्ल्ड। आज हम बनाएंगे होली स्पेशल गुंजिया, बहुत ही आसान तरीके से जो मिनटों में बनकर तैयार होती है बिना किसी मेहनत के। तो चलिए बनाते हैं गुंजिया। गुंजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा किलो यानी 500 ग्राम मैदा लिया है और उसमें मैदा का पाँचवा हिस्सा यानी 100 ग्राम मैंने घी डाला है। घी हम यहाँ जमा हुआ नहीं डालेंगे, मेल्ट घी का ही यूज़ करें। और अब सबको अच्छे से मिला दें। देखिए मैदा के कोने कोने में अच्छे से घी मिक्स हो जाना चाहिए, कहीं पर भी ऐसा ना रहे कहीं मिक्स हो गया और कहीं पर छूट गया। तो इसे हम अच्छे से इस तरीके से रब करते हुए मिक्स करेंगे कोने कोने में। घी मिक्स करने के बाद हल्के हाथों से आटे के लड्डू बनाकर देख लें। अगर आटे के लड्डू बन रहे हैं तो इसका मतलब घी की मात्रा मैदा में बिल्कुल सही है। अगर लड्डू ना बने तो आप थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। अब हम गुनगुना पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथना है। हमें टाइट आटा गूंथना है। हमेशा जब भी हम गुंजिया बनाएं तो उसके लिए हमें टाइट आटा ही गूंथना है, तभी हमारी गुंजिया खस्ता और करारी बनती हैं। अभी हमें रफ आटा ही गूंथना है, बस मैदा को इकट्ठा करके ऐसे ही छोड़ देना है और गीले कपड़े से ढककर रख दें आधे घंटे के लिए। जब आधा घंटा हो जाए तो हम कपड़े को हटाएंगे और आटे को फिर से अच्छे से गूंथेंगे। इस बार हमें आटे को बहुत अच्छे से गूंथ लेना है। आटा गूंथ चुका है और इसके बाद अब हम फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग के लिए हमने एक फ्राई पैन लिया है और फुल फ्लेम पर उसे गर्म किया है और उसमें ऐड किया है एक बड़ा चम्मच घी। घी जब मेल्ट हो जाए तो उसमें ऐड करेंगे सूजी। मैंने यहाँ 300 ग्राम सूजी ली है और सूजी को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें से हल्की हल्की खुशबू ना आने लगे, या फिर आप 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून सकते हैं। सूजी भुन चुकी है, इसका कलर भी हल्का ब्राउन हो चुका है और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर, साथ में ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। जो भी आपको पसंद हो आप वो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ काजू, बादाम और किशमिश ही लिए हैं। अब हम इन सबको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट तक ही फ्राई करेंगे जिससे कि इनका कच्चापन है वो निकल जाए। सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए हमारा मिक्सचर अब ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे बूरा, आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ 300 ग्राम बूरा ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा बूरा भी मिला सकते हैं। अब बूरा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से मिला लेंगे। बूरा में बीच बीच में गुठलियाँ आ जाती हैं, इसीलिए हमें वो अच्छे से मिक्स करनी है। देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गुजिया बनाएंगे। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमने थोड़ा सा आटा लिया है। देखिए बस इतना ही लेना है जिससे कि एक पूरी के बराबर हो। अब हम उसका लोई बनाएंगे और लोई बनाकर उसकी हम छोटी सी पूरी बनाएंगे। जिस आकार की हम पूरी बनाते हैं उसी आकार की हमें ये पूरी बनानी है। बस पूरी से थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। इसी तरह से हम एक साथ बहुत सारी पूरी तैयार करके रख लेंगे। अब हमने कई सारी पूरी एक साथ तैयार करके रख ली हैं। अब पूरी बनाने वाला सांचा लेंगे और उस पर एक पूरी रख देंगे धीरे से। और अब हम उसमें फिलिंग भरेंगे। फिलिंग हमें एक चम्मच ही भरनी है, ना कम ना ज़्यादा। ज़्यादा भरेंगे तो हमारी जो गुंजिया है वो फट सकती है, और कम भरेंगे तो टेस्टी भी नहीं लगेगी। इसीलिए उतना ही भरें, ना ज़्यादा ना कम। और अब उंगली की सहायता से चारों तरफ ऐसे किनारों पर हम पानी लगाएंगे मशीन के चारों तरफ, देखिए इस तरीके से, जिससे कि हमारी गुंजिया अच्छे से बंद हो जाए। पानी नहीं लगाएंगे तो गुंजिया बंद नहीं होगी और धीरे से
गुंजिया को ऐसे चारों तरफ से बंद कर दें मशीन को प्रेस करके, और एक्स्ट्रा जो हमारा आटा है उसे हटा दें इस तरह से, और एक बार फिर से टाइट मशीन को बंद कर दें, और धीरे धीरे देखिए बड़े आराम से धीरे से गुंजिया को निकाल लें। देखिए गुंजिया कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है, ना कहीं से फट रही है, एकदम परफेक्ट गुंजिया बनी है। इसी तरह से हमें सारी गुंजिया तैयार कर लेनी है एक साथ। सारी गुंजियाओं को तैयार करने के बाद अब हम घी गरम करेंगे फुल फ्लेम पर। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप घी में फ्राई करेंगे तो हमारी जो गुंजिया है वो ज़्यादा खस्ता बनेंगी। और सारी गुंजियाओं को इस तरीके से एक एक करके डाल देना है और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करनी है। फ्लेम हमारा मीडियम कर देना जब आप इनको फ्राई करें, और उलट पलट करके सारी गुंजियाओं को इस तरीके से जब तक वो लाइट ब्राउन ना हो जाए, उनका कलर हल्का ब्राउन ना हो जाए, तब तक इनको फ्राई करना है। ज़्यादा डार्क नहीं करना, ज़्यादा डार्क ब्राउन करने से हमारी गुंजियाँ बहुत टाइट बनेंगी और देखने में भी इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। देखिए सारी गुंजियाँ फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इनका कलर भी कितना अच्छा आया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, गुंजिया बनाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरीके से हमें अपनी सारी गुंजिया निकाल लेनी है। मैं आपको एक गुंजिया फोड़ कर दिखाती हूँ, आप देख कर बताइएगा कि गुंजिया कैसे बनी है। देखिए कितनी एकदम सॉफ्ट और एकदम खस्ता गुंजिया बनी है, और देखिए इसमें जो फीलिंग है वो भी खूब भर भर के भरी है। तो आप इसी तरह से एक बार मेरे तरीके से गुंजिया बनाकर ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी और आप हर बार इसी तरीके से गुंजिया बनाएंगे।